नमस्कार, मैं सोनी ओझा। स्वागत है आप सभी का स्वरमई टाइम्स में। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। अवैध प्लॉटिंग करने वालों के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज। नाचते नाचते आया भगवान हनुमान को हार्ट अटैक, लोगों को नहीं हुआ यकीन। 4 सितंबर को टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दुर्घटना के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल में बात करते हुए डॉक्टर ने कहा कि टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन के सर में चोट लगी थी, जब उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई थी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। उनके सर में चोट लगी थी और आंतरिक रक्तस्राव भी हो रहा था। एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मिस्त्री अपने मर्सिडीज कार से अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे, जब यह हादसा सूर्या नदी के ऊपर बने एक ब्रिज पर करीब दोपहर 3:15 बजे हुआ। मिस्त्री अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं। यह दुर्घटना का ही मामला लग रहा है। आगे की जानकारी पुलिस की जाँच के बाद ही पता चल सकती है। जांजगीर जिले में इन दिनों अवैध प्लांटिंग करने वालों पर लगातार प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में चापा में भी इस तरह की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि नगर पालिका चापा के अधिकारियों को लगातार अवैध प्लांटिंग की शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर चापा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर पालिका चापा के उप अभियंता ने चापा थाने में 7 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराया है। कुछ रसूखदार लोग किसानों की जमीन एग्रीमेंट कर औने पौने दाम पर खरीदी कर अवैध प्लांटिंग कर बिक्री कर रहे हैं। जमीन दलालों में अब कार्रवाई को लेकर नगर में हड़कंप मच गया है। जमीन से जुड़े दलाल चापा थाना के चक्कर काट रहे हैं। वहीं पुलिस ने भी अवैध प्लांटिंग के खिलाफ कमर कस ली है। नगर पालिका चापा में दर्जनों लोगों के खिलाफ लिस्ट तैयार कर रखी है, जिसको लेकर आने वाले समय में थाना में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। वहीं कुछ लोगों से जमीन के कागजात मंगाए जा रहे हैं। FIR दर्ज कर चापा पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कलेक्टर साहब द्वारा एक टीम बनाई गई थी, उस टीम द्वारा जाँच करके एक रिपोर्ट दी गई, जिसके आधार पर नगर पालिका अधिनियम की धारा 339 ग के तहत और उनके खिलाफ विधिवत तरीके से प्लॉटिंग नहीं करते हुए जमीन बेचने की शिकायत हुई थी और प्रतिवेदन के आधार पर थाना चापा में 7 अलग अलग FIR दर्ज किए गए हैं, जो नामजद FIR हैं और उनके जो आरोपी हैं उनके खिलाफ उनके विरुद्ध साक्ष्य संग्रहण की कार्रवाई की जा रही है और विधिक जो औपचारिकता है वो पूर्ण होने के उपरांत तो उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मौनपुरी जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र में गणेश चतुर्थी के पावन कार्यक्रम में एक मंच पर भगवान हनुमान का रूप धारण कर नाच रहे युवक अचानक मंच पर गिर पड़ा, जिसे देख लोग समझ नहीं पाए कि आखिर वह जमीन पर क्यों लेट गया। लोगों को लग रहा था कि वे उनके किरदार का हिस्सा है। कुछ देर तक जब युवक नहीं उठा तो मंच पर मौजूद लोगों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठा। इसके बाद आनंद फानन में मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह मामला उत्तर प्रदेश के मौनपुरी के कोतवाली क्षेत्र के बंसी गौरा इलाके का है, जहां गणेश चतुर्थी को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें 35 वर्षीय रवि शर्मा पुत्र रामविलास हनुमान के रूप में धारण कर पंडाल में नाच रहे थे। तभी अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी जान चली गई। जैसा कि आप जानते हैं, आज बहुत ही खास दिन है, यानी 5 सितंबर हर साल को इस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह तो शायद हर किसी को पता होगा कि भारत में शिक्षकों, शोधकर्ताओं और प्रोफेसरों के कार्यों को पहचानने और समाज में उनके महत्व को दर्शाने के लिए हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है। 5 सितंबर 1888 को जन्मे डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान शिक्षक और विद्वान के रूप में अपने कई उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाने जाते हैं। शिक्षा और छात्रों के प्रति राधाकृष्णन के दृष्टिकोण का सम्मान करने के लिए भारत में 1962 से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे स्वरमई टाइम्स के परिवार की ओर से हैप्पी टीचर्स डे, जो देता है प्रेरणा, जो कराता है सच्चाई से सामना, जो दिखाता है सही रास्ता, ऐसे शिक्षा देने वाले गुरु को हमारा प्रणाम। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए स्वरमई टाइम्स।